हाय, हम सब अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हो या कोई स्पोर्ट्स हो। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत समय तक मोबाइल और एजाइल रहें, लेकिन कभी कभी, चाहे डीजनरेशन की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से या पोस्चरल इम्बैलेंस की वजह से, हमारी स्पाइन पर अफेक्ट आता है और हमें पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, विच कैन रिस्ट्रिक्ट अस फ्रॉम आर एक्टिविटीज़। जो भी हम करना चाहते हैं वो काम पूरी एफिशिएंसी से हम नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगी जिससे हम अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल और मोबाइल रख सकते हैं, ताकि हम लंबे समय तक अपने आप को मेंटेन कर सकें और जो चाहें वो काम पूरी एफिशिएंसी के साथ कर सकें। चाहे आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे वो जिम्नास्टिक्स हो, डांस हो, वेट ट्रेनिंग हो, रनिंग हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, उससे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप हमें बचाता है वियर एंड टियर से, डीजनरेशन से या यू नो लैक ऑफ मोबिलिटी से। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट वी मिस इज द रिस्ट, ये जो कलाई होती है। यहाँ इसके जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे आसन में हम अपना बॉडी वेट यूज़ करते हैं, और क्योंकि हाथ के ऊपर बॉडी वेट होल्ड होता है, हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक बहुत छोटा और सेंसिटिव पार्ट है जहाँ पे इंजरी हो सकती है, एंड दैट कैन रियली स्टॉप अस फ्रॉम कंटिन्यूइंग आर जर्नी। तो रिस्ट का, एंकल्स का, शोल्डर्स का, जो भी एरिया ससेप्टिबल हों, उनके लिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होती है, जो विच इज़ लाइक अ जेल लाइक सब्सटेंस, और जब हम उसको वार्म करते हैं और हम अपने मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो वो जो जेल लाइक फ्लूइड है वो लिक्विडाइज हो जाती है और इट बिकम्स लाइक अ कुशन। तो वो एक कुशन की तरह हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वियर एंड टियर, इंजुरी एंड पेन, और मसल्स को एक्टिवेट करने से मूवमेंट भी हमारी बहुत स्मूथ और स्ट्रीमलाइन रहती है। सो दीज आर अ फ्यू वार्म अप मूव्स। सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन, ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्कआउट सेट है। इसको हम कई बार रिपीट करते हैं तो ये एक अपने आप में वर्कआउट सेशन बन जाता है, और इसको हम एज अ वार्म अप ही अपने एक्सरसाइज रेजीम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इससे हम सारा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं और ये हमारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करता है, हमें एनर्जेटिक रखता है सारा दिन, हमारे मसल्स को एक्टिवेट करता है। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज जिसमें कई आसन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। सबसे पहले
प्रणाम मुद्रा में खड़े हों, दैट इज़ प्रणाम आसन, और उसके बाद दोनों आर्म्स पीछे ले जाके बैकवर्ड बेंड करें, विच इज़ दी उद्ध्वस्त आसन। उसके बाद डाउनवर्ड बेंड करके हम पाद आसन में आते हैं, जिसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने नीज़ को एकदम स्ट्रेट करना है, क्योंकि उससे स्ट्रेन आता है। इसमें जो पर्पस है वो ये है कि हमारी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए, दैट इज़ द प्राइमरी पर्पस। तो हम लोग पाद हस्तासन में जब खड़े होते हैं तो हम सॉफ्ट नीज रख सकते हैं। उसके बाद एक लेग को पीछे लेके जाते हैं, दैट इज़ दी अश्व संचालन आसन। उसके बाद दूसरी लेग को भी हम पीछे लेके जाएंगे एंड वी कम इन अ पुशअप पोजिशन। उसके बाद चेस्ट को और नीज को हम लोग फ्लोर पे रखते हैं और ये है षष्ठांग आसन। फिर स्लाइड इनटू भुजंग आसन। उसके बाद वापस हम दोनों हाथ को ज़मीन पे रख के और अपनी बट रेज करते हैं और वी मेक दी माउंटेन पोज, पर्वतासन, और इसको डाउनवर्ड डॉग भी बोला जाता है। उसके बाद फिर वापस एक लेग आगे रख के अश्व संचालन आसन में आए और दूसरी लेग को भी उसके बाद आगे लाकर पादहस्तासन में हम अपने लेग्स को, नीज को स्ट्रेट कर देते हैं सॉफ्ट नीज में। उसके बाद अगेन वी रेज आवर बॉडी एंड गो इनटू द बैकवर्ड बेंड उद्ध्वस्तासन एंड देन बैक टू प्रणाम मुद्रा। तो ये एक सेट सूर्य नमस्कार का कंप्लीट हो जाता है। गरुड़ आसन यानी ईगल पोज। ये आसन हमारे फोकस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी टोनिंग में हेल्प करता है। इसमें हमें एक लेग के ऊपर बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए हमारा फोकस बहुत इम्प्रूव होता है। तो एक लेग पर खड़े होकर दूसरी लेग को पहली लेग के अराउंड रैप करना है और एंट्वाइन करना है, और वही चीज़ हमने अपने आर्म्स में करनी है कि एक आर्म को सामने रख कर दूसरे आर्म को उसके अराउंड रैप करना है और फिर अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखना है। और ये आसन जो है हम कुछ सेकंड तक या 5 to 7 ब्रेथ्स तक इसको होल्ड कर सकते हैं। पार्श्वतान आसन और पिरामिड पोज इज़ एन इंटेंस साइड स्ट्रेच। इसमें हमारे ग्लूट्स को, हिप्स को, हमारे हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच मिलता है। हमारे शोल्डर्स की मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, हमारी चेस्ट ओपन अप होती है और हमारी रिस्ट की मोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इसमें वी हैव टू कीप आवर लेग्स 3.5 to 4 feet अपार्ट और हमने अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाकर अंजलि मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में होल्ड करना है और उसके बाद स्पाइनल रोटेशन करते हुए बॉडी को साइडवेज ट्विस्ट करते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है और अपने वी हैव टू स्ट्राइव कि हम अपना जो नोज़ है उसको हम अपने घुटने से टच करें। इसमें कोशिश ये रहेगी कि घुटना बेंड ना हो। और फॉरवर्ड बेंड्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने अपनी बैक को राउंड ऑफ नहीं करना है। वी डोंट वॉन्ट टू राउंड ऑफ आर बैक। तो हमें एक न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करना है और इसके लिए बहुत अच्छा टिप ये होता है कि फॉरवर्ड बेंड की हर मूवमेंट ग्लूटिस मसल से इनिशिएट होनी चाहिए। सो वी हैव टू इनिशिएट एंड अराउज द मूवमेंट फ्रॉम दैट जॉइंट एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड बेंड डाउन, सो दैट हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे और उसको स्ट्रेंथ मिले। तितली आसन या बटरफ्लाई पोज। ये पोस्चर वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेचेस से पहले, जो सीटेड स्ट्रेचेस होते हैं या लाइंग स्ट्रेचेस होते हैं, उससे पहले वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है। ये हिप्स को ओपन अप करता है। ये पीरियड पेन के लिए, जो लड़कियों को डिस्कम्फर्ट होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें जब हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं
तो उस इनर थाई की टेंशन को रिलीज करने के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉस्चर है। इसके लिए आप ज़मीन पर बैठें और अपने दोनों लेग्स को सामने रख के दोनों फीट को, दोनों पैरों को प्रणाम की मुद्रा में होल्ड करें। उसके बाद अपने हाथों से उन अपने फीट को पकड़कर जो लेग्स हैं उनको बटरफ्लाई के विंग्स की तरह, तितलियों के पर की तरह फ्लैप करना है। और इसको हम लोग काफ़ी टाइम तक रिपीट कर सकते हैं और इससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है और हम रिलैक्स होते हैं और बहुत अच्छा वार्म अप भी मिलता है। गोमुख आसन यानी काउस पोज। इस आसन में लेग्स की पोजीशन ऐसे होती है जैसे गाय का मुख होता है, इसीलिए इसका नाम गोमुख आसन रखा गया है। इसको करने के लिए हम योगा मैट पर बैठते हैं, एक लेग को हिप्स के बीच में रखते हैं और दूसरी लेग को उसके ऊपर से ले जाते हुए दूसरी साइड रखते हैं। उसी तरह जो हमारे हाथ हैं, जो लेग ऊपर की तरफ है उसी साइड वाले आर्म को हमने ऊपर की तरफ रखना है और दूसरे आर्म को नीचे की तरफ रखना है और दोनों को पीछे ले जाकर एक दूसरे से पकड़ना है, होल्ड करना है। इस पोजीशन को हम 30 टू 60 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं और जैसा कि हर आसन में होता है, पहले इसको कुछ कम टाइम के लिए करेंगे और धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये आसन स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जो अपर बॉडी है उसको ओपन अप करने के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और हमारी लेग्स की टोनिंग के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा होता है। अर्धमत्स्येन्द्र आसन और हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। इस आसन में योगा मैट पर बैठें, लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट लेग के नीचे रखें, राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से ले जाते हुए उसके घुटने के पास प्लेस करें। इसके बाद लेफ्ट आर्म को राइट लेग के ऊपर से ले जाते हुए राइट फुट को पकड़ें और आपका जो राइट हैंड है वो पीछे की तरफ जाएगा और आप स्पाइनल रोटेशन करते हुए, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। ये आसन स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स भी टोन अप होते हैं और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हर आसन से मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं लेकिन हमारा जहाँ फोकस होता है हम उन आसन को पिक कर लेते हैं ताकि हमारा जो बेनिफिट है वो भी एक कन्वर्ज होके हमारा जो कॉमन पॉइंट है उधर आए और हमें उसका बेनिफिट मिले। उष्ट्रासन या कैमल पोज। ये आसन हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारे पोस्चरल करेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी अपर बॉडी को ओपन अप करता है, चेस्ट को ओपन अप करता है और थोरैक्स को भी टोन करता है। ये हमारे हिप्स को अच्छी स्ट्रेच देता है और थाइस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाकर अपने हील को पकड़ें और पीछे बैकवर्ड बेंड करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और जस्ट लेट इट लूज। इससे पूरे स्पाइन की टोनिंग होती है और इसको आप 30 टू 60 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं और शुरू में आप इसको कम वक्त के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे जो टाइम है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन है फॉर स्पाइनल मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग योर बॉडी इन जनरल। सुप्त वज्रासन और रिक्लाइनिंग वज्रासन पोज। ये आसन इंटरनल ऑर्गन्स की ब्लड सर्कुलेशन के लिए, किडनी, लिवर एट्सेट्रा, इनकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा ब्लड फ्लो मिलता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर दी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जाइजिंग आसन है और इसके अलावा पीरियड पेन में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। वज्रासन में बैठें
और उसके बाद अपना जो अपर बॉडी है टॉर्सो उसको पीछे की तरफ ले जाकर अपना सिर जो है ज़मीन पर प्लेस करें और उस पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करें। हम अपने पाम्स को दोनों साइड में भी रख सकते हैं और अपवर्ड्स भी रख सकते हैं। इसको शुरू में अराउंड 30 सेकेंड्स होल्ड करें और धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इसको वापस रिटर्न करने के लिए अपना अपर बॉडी लिफ्ट करें और धीरे से ऊपर आएं और वापस वज्रासन पोजीशन में आ जाएं। लाइंग हस्तपादान गुष्ठासना। ये आसन हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए तो बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें रोटेशन इन्वॉल्व होती है, और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, यूरोजेनाइटल डिसऑर्डर्स को एलिविएट करता है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। कभी कभी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमें बहुत स्ट्रेन महसूस होता है, उस टाइम हम अगर ये आसन परफॉर्म करते हैं तो हमें इमीडिएटली रिलीफ भी मिलती है। इसको करने के लिए हम योगा मैट पर लेट कर हमने दोनों आर्म्स को दोनों तरफ स्ट्रेच करना है, उसके बाद एक लेग को उठाकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए ले जाना है, और हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने टो को टच करें बिना घुटने को बेंड करें। इसको कुछ समय तक होल्ड करना है और हमें स्ट्रेच और रिलीफ दोनों महसूस होंगे। इसके बाद हमने अपनी लेग को वापस रोटेट करते हुए उठाना है और फिर उसके बाद नॉर्मल पोजीशन पर लेके आना है। यही चीज़ हम दूसरे साइड भी रिपीट करेंगे। भुजंग आसन और कोबरा पोज। ये आसन प्राइमरीली स्पाइनल कॉर्ड के लिए अच्छा है, और क्योंकि इसमें एक बैकवर्ड बेंड भी इन्वॉल्व है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी को जनरली टोन करता है और इसको मसल्स एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारी मोबिलिटी अच्छी रहती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, और कहा जाता है कि इस पोस्चर को होल्ड करने से कुंडली भी जागृत होती है। इसको करने के लिए हमने योगा मैट पर लेटना है प्रोन पोजीशन में, और अपने दोनों हाथों को कंधे के नीचे आगे की तरफ रख के और स्लोली धीरे धीरे हमने अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करना है और बैकवर्ड मूव करना है। उसको उस पोजीशन में होल्ड करना है जब तक हम कंफर्टेबल हों, और उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस नीचे की तरफ आना है। इसको हम कई बार रिपीट कर सकते हैं और एक आइसोमेट्रिक होल्ड में मेंटेन भी कर सकते हैं। धनुरासन और बाव पोज। इस आसन को ये नाम इसीलिए मिला है क्योंकि जब हम इसको बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक धनुष हो। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है, इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन एंड टोन द मसल्स ऑफ द स्पाइन। उसके अलावा ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, और पीरियड पेन को एलिविएट करने में बहुत फ़ायदेमंद है, पीरियड्स के लिए बहुत अच्छा है, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और आर्म्स और लेग्स की मसल्स को भी ये टोन करता है। इस आसन को करने के लिए हम प्रोन पोजीशन में योगा मैट पर लेटेंगे और दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ ले जाके हम अपने पैरों को पकड़ेंगे और साइमल्टेनियसली अपर बॉडी और लोअर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, और हमारा पूरा बॉडी जो है वो हमारे पेल्विस के ऊपर रेस्ट करेगा फ्लोर पे। सो हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी बोथ आर लिफ्टेड अप। इसको कुछ देर मेंटेन करें और उसके बाद एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएं। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग मी। सी यू ऑल। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।